अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की टेस्टी टेस्टी सी ठंडी ठंडी सी चॉकलेट आइसक्रीम। तो शुरू करते हैं रेसिपी। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जी। तो आइसक्रीम बनाने के लिए, चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 कप दूध। आप डब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश मिल्क है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन नहीं की। इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून भर के चीनी के, ये 4 टेबलस्पून शुगर। अब हम इसमें डालेंगे कोका पाउडर, 4 टेबलस्पून ही मैंने लिए हैं कोका पाउडर के, ये मैं इसमें डालूंगी। और अब हम इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर जो है हम इसके नीचे फ्लेम ऑन करेंगे, मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि तो अगर हम फ्लेम पहले ही ऑन कर देंगे तो इसमें जो है फौरन से लम्स बन जाते हैं। बहुत ही मज़े की ये बनती है आइसक्रीम और इजी भी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चीज़ें हमने अच्छी तरह से सब मिक्स कर ली हैं, इसमें अब कोई लम्स वगैरह नहीं है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है इसके नीचे, मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। और थोड़ा सा पकाएंगे तो ये थिक भी हो जाएगा। चम्मच चलाते रहेंगे इसमें बराबर, बस मीडियम फ्लेम पे जो है हम इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी क्योंकि एकदम से इसमें जो कोका पाउडर डाला है वो जलना शुरू हो जाएगा और टेस्ट भी इसका ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम जो है इसको लो फ्लेम पे ही इसको पकाएंगे थोड़ी देर, तकरीबन 5 मिनट इसको लगेंगे पकने में। बस जब थिक हो जाए तो फिर आपने इसको जो है, हल्का सा थिक होगा जब गर्म होता है क्योंकि थोड़ा सा कम थिक होता है, तो फिर ठंडा होगा ज़्यादा थिक होगा ये। अभी हम इसको पकने देते हैं जी। तो बैटर को तकरीबन जो है ना मैंने 4 मिनट के करीब पकाया है, तो ये देखें माशाल्लाह से थिक हो चुका है। अब मैं जो इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसका ठंडा होने देते हैं, फिर हम बाकी की जो आइसक्रीम रेडी करते हैं जी। तो बैटर को जो है मैंने ठंडा होने के लिए रख दिए, तो ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें यूज़ करेंगे उसको। अब ये व्हिपिंग क्रीम लिया है, व्हिपिंग क्रीम लिया मैंने 1 कप, नॉर्मल जो चाय वाला कप होता है वो मैंने 1 भर के ये व्हिपिंग क्रीम का लिया है। अब हम इसको बीट कर लेते हैं। ये बिल्कुल ठंडी अच्छी चिल्ड हुई हुई है, तो इसको हम बीट कर लेंगे बीटर की मदद से। क्रीम को अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया। अब हमने जो बैटर रेडी किया है उसको इसमें डाल देंगे। बैटर भी माशाल्लाह से देखें अब कितना अच्छा थिक हो चुका है, ये देखें। ये अब इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हल्का सा बीट कर लेंगे। बहुत ही मज़े की हमारी चॉकलेट आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। हल्का सा बीटर चला लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस बीटर से की मदद से मैंने इसको हल्का सा मिक्स कर लिया। मैं आपको चेक करवाती हूँ कितनी अच्छी और क्रीमी बनी है। देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा हमारा जो है क्रीमी सा बैटर जो है रेडी हो गया है। अब हम जो है इसको मोल्ड में डाल देते हैं। अब ये एक मोल्ड ले लिया मैंने, एयर टाइट कंटेनर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसको हम कवर कर देंगे शीट की मदद से। अब हम इसमें डाल देते हैं बैटर। मोल्ड में मैंने बैटर डाल दिया। अब हम जो है इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, तकरीबन 8 से 9 घंटे तक इसको लाजमी हम जो है रखेंगे फ्रीज़र में ताकि ये अच्छी जो है चिल्ड हो जाए। तो अभी हम इसको कवर कर सकते हैं। ये मैं इसको ये फॉइल की मदद से जो है इसको कवर कर दूंगी। अब हम इसको तकरीबन 8 से 9 घंटे के लिए जो है मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। तो मिलते हैं 8 से 9 घंटे के बाद जी। तो आइसक्रीम को रखे हुए तकरीबन 8 से 9 घंटे हो गए मैंने फ्रीज़र में रखी थी। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी और कितनी सॉफ्ट बनी है ये, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी रेडी हुई है। अब हम इसके ऊपर जो है चॉकलेट चिप ये मैं डालूंगी इसके ऊपर। बहुत ही अच्छी सी आइसक्रीम हमारी बनके रेडी हुई है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी और बहुत सॉफ्ट। तो आप जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में भी मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।